हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम नीता बिश्नोई। आज हम लोग मनी प्लांट, जो कि बहुत ही पॉपुलर प्लांट है, इसकी तीन मंत्रास देखेंगे, जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके पास भी ये एकदम हरे भरे और बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तीन सिंपल मंत्रास हैं। तो ये प्लांट अगर ब्यूटीफुली ग्रो कर रहा हो, ग्रीन हो और हेल्दी हो, तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। चाहे ये ऐसे मॉस्टिक पे चढ़ा हुआ हो या ये ट्रेल कर रहा हो, ये ट्रेल कर रहे हैं, ये सब दिखाती हूँ मैं आपको। ये से है और ये ट्रेल कर रहा है, ये भी ट्रेल कर रहा है और ये मॉस्टिक के ऊपर है। सबसे फर्स्ट आता है इसकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए। तो लोकेशन इसकी आप शेडी प्लेस में रखिए इसको, ब्राइट लाइट हो मगर ये डायरेक्ट सनलाइट में ना हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये शेड लविंग प्लांट है। अगर शेड में रखेंगे तभी ये ग्रीन रहेगा, नहीं तो अगर डायरेक्ट सनलाइट में आप रख देते हैं, स्पेशली समर्स में, तो इसकी एजेस जो इतनी ब्यूटीफुल है, जो ग्रीन है, ये सारी ब्राउन हो जाएंगी। ये सारी जितनी भी एजेस है, ये सारी ग्रीन की जगह ब्राउन होने लगेंगी। पहले येलो होंगी फिर ब्राउन हो जाएंगी। तो उसके लिए आपको बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसको शेड में रखें। सबसे पहली चीज है शेड में, मतलब लाइट ब्राइट हो मगर डायरेक्ट सनलाइट ना हो। ये काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब ये जंगलों में होता है तो ये बड़े बड़े दरख्त या पेड़ों के नीचे होता है, और जो कैनोपी होती है बड़े पेड़ की, वो इसको फिल्टर्ड लाइट देती है। डायरेक्ट सनलाइट इसको नहीं मिलती। आप इसको बार बार रिलोकेट ना करें। अगर आपने एक जगह इसको पोजीशन कर दिया है, ये यूज्ड टू हो जाता है, क्लाइमेटाइज हो जाता है उस जगह के, तो आप उसको बार बार शिफ्टिंग ना करें। बेशक आप इसको अपने सनलाइट वाली विंडो के पास रखें, घर के अंदर रखें, इंडोर रखें, इसको बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फर्टिलाइजर देना है या कोई कटिंग वटिंग करनी है, बाहर ले जाए उसी पोजीशन पे वापस रख दें, या अगर बाहर रखा हुआ है तो एक ही पोजीशन पे रखें और उसको रोटेट करते रहें। रोटेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये देखिए, ऐसे करके इसको रोटेट करेंगे तभी सब जगह लाइट मिलेगी इसको। अगर एक ही जगह ये पड़ा रहेगा तो इसके पीछे की साइड, बैक साइड, इसमें लाइट नहीं आएगी। ये इम्पॉर्टेंट है ताकि प्लांट की ग्रोथ चारों तरफ से हो। ये लोकेशन में ही आता है कि वहीं रहेगा मगर इसको रोटेट करेंगे। सेकेंड मंत्रा ये है कि इसको फर्टिलाइजर क्या देना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोग ये पूछते हैं क्या डालना है, क्या फर्टिलाइज करना है। ये खुद में बहुत ज़्यादा हाई फीडर नहीं है, मगर इसकी जो सेकेंडरी रूट्स होती हैं, यहाँ से जो आ रही हैं, यहाँ पर हर जगह से निकल रही हैं, ये देखिए, ये एक है सेकेंडरी रूट। इनको अगर आप फर्टिलाइज कर देते हैं और इनकी लीव्स को हाइड्रेटेड रखते हैं, अच्छे से ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। जैसे ये पूरा, मैंने तो इसको पूरा भरा हुआ है, ये पूरा कंटेनर भरा हुआ है, मगर हर जगह से इसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। ये जो नीचे आ रही हैं, जो रूट्स नीचे आ रही हैं, इनको नहीं मिल रहा है। तो अगर आप स्प्रे बॉटल से इसको किसी तरह फर्टिलाइज करेंगे तो ये बहुत अच्छे से नीचे की लीव्स भी, ये ऊपर तो बहुत अच्छी ग्रो कर ही रही हैं, नीचे भी बहुत अच्छी सी ग्रो करेंगी। तो देखते हैं कौन सा फर्टिलाइजर आप इसकी फोलिएज के लिए यूज़ कर सकते हैं। फोलिएज मतलब होता है ये सब इसकी फोलिएज है, ये सब इसके पत्ते हैं। इनको आप अच्छे से फर्टिलाइज करेंगे तो ये फोलिएज के थ्रू भी थोड़ा न्यूट्रिशन लेते हैं। इसमें नीचे स्टोमेटा, छोटे छोटे होल्स होते हैं, इसमें परफोरेशंस होते हैं छोटे, बहुत छोटे, उनके थ्रू ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ये सबसे पहला फर्टिलाइजर है, इसको सी वीड, ये बायोवीटा नाम है कंपनी का, मगर ये सी वीड एक्सट्रैक्ट है, लिक्विड फॉर्म में है। ये ग्रेन्यूल्स में भी आता है, ये लिक्विड फॉर्म में है। ये बना लिया, इसको आपको स्प्रे करना है ऐसे करके। ये बहुत अच्छा फोलिएज स्प्रे, बहुत ही अच्छा है, मैं ये बहुत यूज़ करती हूँ। इससे क्या होगा, जब आपकी मॉस्टिक है उसको भी आपको गीला करना है क्योंकि उसकी रूट्स उसमें चिपक गई हैं,
और उससे इसका न्यूट्रिशन लेती रहेंगी। ये आप फोलियस स्प्रे यूज कर सकते हो हर 15 डेज में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत डाइल्यूटेड है, ऑर्गेनिक है। और नेक्स्ट है, आप यूज कर सकते हैं, ये मैंने बायो एंजाइम बनाया हुआ है। बायो एंजाइम कितना यूज करेंगे, 1 लीटर में एक ढक्कन, बस खाली एक ढक्कन यूज करेंगे। संतरे का, मौसम्बी का, सिट्रस फ्रूट्स का है, तो ये खाली इतना आप यूज कर सकते हैं। एक ढक्कन 5 ml होता है, ये आप 1 लीटर पानी में यूज कर सकते हैं। और इसको भी 10-15 दिन के बीच में एक बार आप आराम से यूज कर सकते हैं। तो ये एक हो गया सिट्रस बायो एंजाइम। थर्ड फर्टिलाइजर जो आप यूज कर सकते हैं लिक्विड फॉर्म में, वो है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट है, ये एप्सम सॉल्ट के नाम से आता है। ये आप 1 टीस्पून इन 1 लीटर ऑफ वाटर यूज कर सकते हैं इजीली। और ये सारी चीजें एक साथ नहीं यूज करनी, कभी आप एप्सम सॉल्ट यूज करिए, कभी आप बायो एंजाइम यूज कर सकते हैं, और कभी सीवीड एक्सट्रैक्ट यूज कर सकते हैं। 15 दिन के गैप जरूर देना है। और जो ये है, ये मैग्नीशियम सल्फेट है, ये सॉल्युबल है वाटर में, तो ये अगर बॉटल में डाल के आप शेक करेंगे तो ये घुल जाएगा। ये इनफैक्ट सॉइल में भी डाल सकते हैं, इसी के सॉइल में। ये मैं फोलियस स्प्रे के लिए बोल रही हूँ। वैसे अगर इसको आपको सॉइल को फर्टिलाइज करना है, आप उसके लिए यूज कर सकते हैं कॉम्पोस्टी सॉइल के लिए। वो आप यूज करेंगे स्प्रिंग के बाद में, जब इसका ग्रोइंग सीजन होता है, महीने में एक बार बहुत होता है डाइल्यूटेड। और विंटर्स में ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता, ये स्प्रिंग के बाद ज़्यादा ग्रोथ होती है इसकी, तब आप इसको अच्छे से फर्टिलाइज रखिए। मैं कॉम्पोस्ट टी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब लास्ट मंत्रा, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कि आपको वॉटरिंग कैसे करनी है। अगर आपने वॉटरिंग मनी प्लांट में राइट करना सीख गए, तो इसका लीव्स का साइज भी बड़ा हो जाएगा, ये लीव्स भी बहुत हेल्दी रहेंगी और प्लांट भी बहुत हेल्दी रहेगा। तो कैसे पानी डालना है, सबसे पहले अगर आपकी मॉस्टिक है तो ये इसको गीला करना है, चारों तरफ से डालना है इसको। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप पानी डालें तो आप इसकी पॉटिंग सॉइल चेक कर लें। जब तक इसकी टॉप लेयर ड्राई ना हो, जब तक इसमें पानी नहीं डालना है। सिंपल रूल है, ऊपर की लेयर थोड़ी सी उंगली से चेक करेंगे, इतनी ड्राई है तब डालेंगे। अगर कंटिन्यूस ये पानी में रहा तो इसकी लीफ का साइज भी छोटा हो जाएगा, हेल्दी नहीं रहेंगी, और कई बार तो ये रूट रॉट से ख़त्म भी हो जाती है। तो चाहे ये ट्रेल कर रहा हो, चाहे ये मॉस्टिक पे हो, आपको ज़रूर चेक करके डालना है कि इसमें ऊपर की लेयर ड्राई हो, तब आप इसमें पानी डालें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।